लेडीज को मार रहे हैं, देखो इंचार्ज, इंचार्ज लेडीज को मार रहा है, ये देखो इंचार्ज लेडीज को मार रहा है, देखो ये तो कपड़ा फाड़ दिया मम्मी को। मैं नहीं जा रहा, तो आप भी मत यार, लेडीज को अंदर मार रहे हैं। कुछ करिए सर, थाने में पुलिस वाले फोन काटना है, फोन निकला अंदर मत जाइए, सर आप थाने से बाहर क्यों निकाल रहे हो? सर आप लोग बाहर क्यों निकाल रहे हैं, थाना क्यों? हेलो भैया, हेलो लेडीज मुलाजम कोई है नहीं, तुम लेडीज मुलाजम चला रहे हो? बैठी कोई नहीं बैठी, उन्होंने लेडीज मुलाजम हाथ कितना लाया है? तुसी कोई लेडीज मुलाजम नहीं है कि तुसी हाथ कितना ला रहे हो लेडीज नु? सर तुसी लेडीज नु हाथ क्यों ला रहे हो? शोलर खुशबू आ जा, खुशबू आ जा इधर, लेडीज को मार रहे हैं, लेडीज को मार रहे हैं, देखो इंचार्ज, इंचार्ज लेडीज को मार रहा है, ये देखो इंचार्ज लेडीज को मार रहा है, देखो ये तो कपड़ा फाड़ दिया, इंचार्ज लेडीज को मार रहा है, इंचार्ज लेडीज को मार रहा है, वकील बन गई है, ये देखो ये इंचार्ज मार रहे, इंचार्ज लेडीज को मार रहे, इंचार्ज लेडीज को मार रहे, देखो इंचार्ज लेडीज को मार रहे, इनको बहुत सख्त कार्रवाई की जाए इनके ऊपर, इनको बच्चे को मार रहे हैं, मेरी बहन का उसका बच्चा है, उसको मार रहे हैं ये वकील, ये कमिश्नर मार रहे हैं बच्चे को, ये देखिए मेरी बहन का बच्चा अंदर है, उसको भी मार रहे हैं, और मेरी बुआ अंदर है उसको भी मार रहे, पकड़ के मार रहे हैं, ये देखो पकड़ के मैं कहा सर घर पे ना हमारे कोई एक छोटी सी लड़ाई थी हमारी, उनको छोटी सी लड़ाई जो एंटी पार्टी वाले ने हमारे ऊपर केस, कहाँ पे हुई थी ये लड़ाई? एक अन्य बाबू मार्केट लोहरा रोड पे हुई थी। अच्छा, किस की लड़ाई हुई थी? क्या नाम है, अरमान सोनी के साथ। क्या लगते हैं आपके? मेरे कन्म रीजा लगते हैं वो मेरे जी, हाँ मेरे रीजा लगते हैं। अच्छा, तो उनके ऊपर कन में केस डाल के उन्होंने एंटी पार्टी वाले केस डाल के और क्या नाम है उठा के ले, अब कन में पुलिस वाले आए और भी कन में विदाउट लेडीज, कन विदाउट लेडीज पुलिस, और हमारे घर के ऊपर कन में पीछे से टप के और अंदर घुस के रूम के अंदर, पीछे से मतलब कैसे कह रहे हैं? पीछे से पीछे सर को उन्होंने पौड़ी लगा के, अच्छा पौड़ी लगा के, पौड़ी लगा के अंदर घुसे हैं और रूम के अंदर घुस गए, और उनके पास ना आपके वारंट था और ना कुछ था उनके पास। और कितने बजे की बात है? रात को रात 12:30 की बात है, और उन्होंने दारू पी हुई थी रात को, अच्छा पुलिस वाले ने, हाँ पुलिस वाले पी हुई थी, वो हमारे घर में घुसे। तो कितने तारीख की बात है? ये बात करने में 21 तारीख की है जी, हाँ ये बात 21 तारीख को अंदर घुसे, तो अंदर घुस के फिर वो ना उसे घीच के उनको मेरे मरीजों को उठा के ले जाने लगे, और उन्होंने बोला कि मुझे कन में मैं सुबह आऊंगा, तो वो उनको उठा के उनको मारने लगे, वहाँ पर लाठीचार्ज करने लगे, वहाँ पर मारने लगे अंदर जाके रूम में मार के, फिर के बाद उन्होंने फिर उसको उठा के घींच के बाहर ले गए, और वहां पर जिन्हें एंटी पार्टी वाले की जो पब्लिक थी वो सारे एंटी पार्टी वाले सर आए इकट्ठा के साथ में डांग लिए हुए थे, उठा के हमारे घर के अंदर घुसे, जब मेरे जीजा को पुलिस वाले लेके आ रहे थे, पुलिस वाले जब नीचे आ रहे थे, तो जब पुलिस वाले जब नीचे आए
तो एंटी पैटर ड्रेस सब सब डंडा लेके हमारे घर में घुस गए और डंडे से मारने लगे। पुलिस वाले सामने थे आपके? हाँ सर, कन पुलिस वाले मौके पे खड़े थे। हाँ मौके पे खड़े थे सब, वो लेके जा रहे थे, घिसते हुए डंडा मार रहे, एंटी पार्टी डंडा मार रहे, उनको लिटा के बिल्कुल जमीन पे एंटी पार्टी वाले पुलिस वाले के सामने मार रहे। कुछ कर नहीं रहे पुलिस वाले, कुछ कर नहीं रहे थे वहाँ पे, पुलिस वाले कोई कुछ नहीं कर रहे थे वहाँ पर। वो सब उसे मिले हुए थे, सब पैसा खाए हुए हैं, सभी दारू पिए हुए थे, सब दारू पिए हुए थे और वो कान में पैसा खाए हुए हैं, वो कान में पैसा खा के और वहाँ पर उनको छोड़ दिए हैं वहाँ पर, वो गिरा के और वो एंटी पार्टी और डंडे पे डंडा मार रहे हैं। और आज क्या हुआ? हाँ सर, इसके बाद सब केस को सब चल रहा था, उनको ले गए उठा के और थाने में उनको बैठा दिए। फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस वाले ने फिर हमें जो आज की बात बताता हूँ मैं, पुलिस वाले ने हमको आज बुलाया थाने में कि आइए अपने लड़के से मिल लीजिए, खाना दे दीजिए। उन्होंने हमें कन में धोखे से बुलाया, उन्होंने हमको धोखे से बुलाया साइन करने के लिए, आपने पहले कन में लिख के पर्चे पे कि ये कस हम कन में मंजूर करते हैं, पता नहीं क्या पंजाबी उन्होंने लिखा हुआ था, जानबूझ के लेडी से साइन करवाने के लिए कि ताकि हम कन में दोषी साबित ना हो, पुलिस वाले खुद कन में दोषी कन में साबित ना हो, तो इसलिए उन्होंने पहली पर्चा लिख के रखा हुआ था ताकि इनसे जब आएंगे तो लेडी से सबसे साइन करा लूंगा धोखे से मैं। तो सब लेडी को सब अंदर घुसा लिया और जेल को सबको बाहर खड़ दिया और गेट लॉक कर दिए, पूरे मेन गेट करने में पुलिस स्टेशन का लॉक कर दिए, लॉक कर दिए और हमको किस पुलिस स्टेशन की बात है? डाबा पुलिस की बात है, डाबा चौकी डाबा थाना। पुलिस वाला आपकी बहन को खींचते ले जा रहा था अंदर? हाँ, तो सर नहीं बताता हूँ मैं। इसके बाद फिर अंदर खींच के लगे, फिर वो साइन कराने के बाद उन्होंने बोला कि साइन करो, लेडीज को बोला तो लेडीज ने पढ़ लिया, वो मेरी जो मेरी बहन थी वो पढ़ी लिखी थी, वो मेरी बहन पढ़ी लिखी थी, तो वो देख ली कि ये हमसे धक्का कर रहे हैं, जानबूझ के साइन करवा रहे हैं, मतलब इसे सब पढ़ लिया, तो उसने साइन नहीं किया तो उसको अंदर ही मारने लगे वहीं पर। अंदर हाँ मेरी बहन को वहां मारा, मेरा बच्चा भी था उसको भी चोट लगी, छोटा सा बच्चा था, और लेडीज को मारने लगे तब तक हम यहाँ पर धक्का। फिर इसके बाद हमने गेट खड़खड़ाया स्टेशन का, गेट खड़ा खोलो खोल ही नहीं रहे। फिर खोल के फिर जैसे हमने अंदर हाथ डाल के कान में गेट खोला, वो धक्का दिया, फिर पुलिस वाले सब आ गए, तो मैंने उसकी वीडियो बना ली, तो बहन को मेरे मारते हुए अंदर मेरे बुआ को मार रहे थे, दो जेंट्स थे अंदर, पुलिस वाले बुआ को अंदर मार रहे थे मेरे घुस के अंदर, और मेरी बहन को कान में जो मेन हेड है वहां का पुलिस स्टेशन का डाबे रोड का, वो मेरी बहन को मार रहा था, वो पकड़ पकड़ के बहन उसकी वीडियो सर मेरे पास रखी है, मैंने वीडियो बनाई हुई है सर, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, वो सब वीडियो रखी है मेरे पास, वो बहुत हमारे साथ धक्का कर रही है, बहुत अत्याचार हो रहा है, इनके ऊपर केस होना चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सुनवाई होनी चाहिए। आपका नाम क्या बताया आपने? सर मेरा नाम है विकास कुमार सर, विकास कुमार मेरा नाम है सर, मैं उनका साला हूँ, वो मेरे जीजा है, और जो मेरी बहन को मारे वो मेरी बहन उनको मारे हैं, सबको मारे, और उन्होंने कहना मैं जब हम आप कह रहे थे कि आपके पिताजी को और आपकी माताजी को भी अंदर बंद किया है। हाँ सर, हम बाहर खड़े थे, हम धरना लगाए लगे, गेट खोलो सबको मार रहे थे, सबको हम धरना लगाने लगे, तो आके वो कानून लाठी चार्ज करने लगे, सबको वहां पर मारे, वहां कॉलोनी में लोगों को भी सबको मारे हैं, सबकी हम सबका बयान दिलवा सकते हैं, हम मुझे सबको मारे, मेरी मम्मी को मारा, फिर मेरी बहन को मारा, बाहर निकाल मार मार के मेरे पापा को सबको अंदर घुसा के ले गए हैं, और उन्होंने घुसा के और पता नहीं कौन कौन सा अंदर केस डाल रहे हैं उनके साथ, कौन कौन सा केस अंदर बना रहे हैं उनके सामने की फिर पकड़ा गया, चिट्टा पकड़ा गया, जानबूझ के केस बना रहे हैं अंदर घुसा के, हाँ डरा रहे हैं, और मैं तो वहां से छुप के मैं तो भाग निकला वहां से, वरना मेरे को पकड़ के अंदर डाल देते, और बहुत मारे हैं सबको वहां पर, अच्छा। लाठी चार्ज करके मारे हैं वहां पर, बहुत केस बनाए सर, मेरी प्लीज मेरी सुनवाई की जाए जी। मामला ये थी मिति 22 तारीख शुक्रवार वाले दिन रात को सानू 1:30-2 बजे करीब कंट्रोल तो मैसेज आए थी कि याद नगर गली नंबर 3/4 दे विच एक अरमान नाँ का व्यक्ति इट्टां रोड़े चला रहा वा, जिथे वाहवा ज्यादा हंगामा कर रहा वा, लोगों ने गेट बंद रहा, जिथे असी ने अपना PCR नंबर 32 दे मुलाजम मौके पर भेजे, जिन्होंने उन काबू करके शांत करने की कोशिश की, तो अरमान ने ते उदी माता ने उन्हां नाल दुर्व्यवहार किया, धक्का मुक्की की, तो उन्होंने मौके पर साढ़े ड्यूटी अफसर अविनाश राय ते नाल उहदा साथी हरमन सिंह दोनों जाने पहुँचे, तो उन्होंने देखा भी जिहड़ी स्थिति बहुत ज़्यादा काबू ते नहीं थी, तो उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की, तो इन्होंने इहदी अविनाश राय की पग ला दी थी, जिस संबंधी असी मुकदमा नंबर 107 मिति 22/12/23 अंडर सैक्शन 353 186
427/5/6-34 IPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰਮਾਨ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਮਿਤਰਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਮਾਨ ਸੋਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੁਮਿਤਰਾ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਲੇਡੀ ਕਾਂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾਰੇ ਅਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਤੇ, ਅਰਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪਾ ਲਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਕਸਟੱਡੀ ਆ। ਹੁਲੜਵਾਈ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਹੁਲੜਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣੂਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛਡਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ।